ये वीडियो वृषभ के लिए यानी कि टॉरस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो वर्ष 2024 की 10 सकारात्मक भविष्यवाणियों के बारे में है। इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम नववर्ष की तरफ जा रहे हैं, और जब भी हम किसी बड़ी चीज़ की शुरुआत करते हैं, किसी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं, नए वर्ष की शुरुआत करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम सकारात्मक रूप से उसकी शुरुआत करें। इसलिए कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जब भी वर्ष शुरुआत का समय आता है तो कोई ना कोई नए रेजोल्यूशन लेता है। तो इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ, उसका औचित्य यह है कि जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण से किसी भी वर्ष को देखेंगे तो उसकी सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होगी। जब मैं वार्षिक राशिफल पूर्ण तौर से बनाऊंगा तो उसमें अवश्य नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ मैं इंक्लूड करूंगा, लेकिन इस वीडियो को केवल इसलिए बना रहा हूं ताकि 10 ऐसी चीजें जो आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आएंगी वर्ष 2024 में, आपको उनके बारे में अवगत कराया जाए और उनके बेसिस पर वर्ष 2024 की जो शुरुआत है आपके लिए वो एक पॉजिटिव नोट पर हो पाए। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। लग्न राशि मेरे हिसाब से बहुत सटीकता देती है, जिनको पता है वहां से देखें, जिनको नहीं पता वो अवश्य चंद्र राशि से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण विश्लेषण का। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण विश्लेषण का वृषभ के लिए 10 सकारात्मक भविष्यवाणियां। पहली भविष्यवाणी, आपके लिए बृहस्पति महाराज 12वें भाव में मार्गी हो जाएंगे। 31 दिसंबर को मार्गी हो रहे हैं, 31 दिसंबर 2023 को। तो वर्ष 2024 के पहले दिन से ही सबसे अच्छी चीज ये है कि बृहस्पति महाराज आपके जीवन में मार्गी प्रभाव दिखाना शुरू कर देंगे। अब क्योंकि बृहस्पति वक्री थे तो सितंबर से खर्चे बड़े होंगे, विघ्न आ रहे होंगे, रुकावटें आ रही होंगी, हेल्थ इश्यूज बहुत आ रहे होंगे। तो सबसे पहली यही चीज है कि हेल्थ थोड़ी बेटर होगी, खर्चे थोड़े से कम होंगे, और कहीं ना कहीं जीवन में जो रुकावटें एकदम बढ़ गई थी तो उन सब चीजों में भी सुधार आना आपको वर्ष के प्रथम दिन से यानी कि 1 जनवरी 2024 से ही मिल जाएगा, क्योंकि बृहस्पति वहां से अपना मार्गी प्रभाव अवश्य दिखाएंगे। क्योंकि 12वां भाव विदेश का भी है और बृहस्पति लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं उनको भी बृहस्पति महाराज यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट अवश्य देने वाले हैं। विदेश यात्राओं में जो विघ्न आ रहे थे उनके संबंध में भी बृहस्पति महाराज आपको वर्ष के प्रथम दिन से ही अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। तो ये रही प्रथम भविष्यवाणी। दूसरी भविष्यवाणी ये है कि जब बृहस्पति महाराज मार्गी हो जाएंगे और ऑलरेडी आपके 12वें घर में तो थे ही, विपरीत राजयोग बना रहे थे, अब जब वो मार्गी हो जाएंगे तो वो प्रभाव और भी प्रबल हो जाएगा। क्योंकि बृहस्पति 8वें घर के स्वामी है और 12वें घर में बैठे हैं, जब भी 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 भावों में होते हैं तो उसको विपरीत राजयोग कहा जाता है। तो जब बृहस्पति विपरीत राजयोग आपके लिए बनाएंगे तो आपके जीवन की कठिनाइयां, आपके जीवन की रुकावटें बहुत हद तक कम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि बृहस्पति महाराज यहाँ से सीधा 6ठे भाव को देखेंगे जो लीगल चीजों का स्थान है, तो अगर कुछ लीगल कार्य आपके अटक रहे थे, कुछ भी जहां पर कानूनी संबंधित कार्यवाही चल रही थी, उन चीजों में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, या जो वो कार्य अटक रहे थे वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। कॉम्प्रोमाइज की स्थितियां भी लीगल केसेस में यहाँ पर बृहस्पति महाराज द्वारा बन सकती है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। और अपने आप में विपरीत राजयोग जैसा मैंने कहा बहुत शुभ होता है। आज के टाइम में राजयोग से अच्छा कोई प्रभाव अगर योग देता है तो वह है विपरीत राजयोग, क्योंकि व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी वो राजयोग वाली स्थिति दे देता है। तो विपरीत राजयोग साल के प्रथम 4 महीने एटलीस्ट आपको मिलेगा, इसका लाभ आपको अवश्य उठाना है। तीसरी भविष्यवाणी, शनि महाराज का बृहस्पति पर प्रभाव। देखिए, मैं हमेशा बता चुका हूं कि शनि और बृहस्पति जब भी मिलकर किसी भाव को देखते हैं या उस भाव पर प्रभाव डालते हैं, उस भाव को एक्टिवेट कर देते हैं। अब बृहस्पति ऑलरेडी 12वें घर में बैठे हैं और शनि महाराज की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर होगी, तो ये आपके लिए बहुत शुभ चीज दिख रही है। कारण क्या है? एक, जैसा मैंने कहा, 12वें घर के बृहस्पति विदेश संबंधित कार्यों में सफलता दिलाना शुरू कर देंगे, लेकिन 12वां भाव कहीं ना कहीं अंत का होता है, तो यहां पर जब प्रभाव शनि और बृहस्पति का आ जाएगा तो आपके जीवन की कई कठिनाइयों का अंत होगा और कहीं ना कहीं जीवन में एक नई शुरुआत करने का आपको अवसर मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम बंधनों में इतना बंध जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि इन बंधनों से निकले कैसे।
उस टाइम पे हमें कई चीज़ों का अंत करना पड़ता है, कई लोगों से दूर होना पड़ता है और एक जीवन की नई शुरुआत करनी होती है। तो अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए साल 2024 के प्रथम दिन से ही शनि और बृहस्पति मिलकर आपको अच्छा प्रभाव देंगे। अगर आप अपने जीवन में बड़े बदलाव लाना चाहते थे, अगर आप अपने जीवन में बड़े रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं या अपने जीवन को अपसाइड डाउन बल्कि पूरा परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उसके लिए वर्ष 2024 से अच्छा साल आपको प्राप्त ही नहीं होगा, क्योंकि 12वें भाव पर शनि और बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव, बृहस्पति बैठे हैं, शनि देख रहे हैं, साफ बता रहे हैं कि अंत होगा और अंत से आपके लिए आरंभ होगा। तो ये भी आपके लिए बहुत शुभता अवश्य लेकर जीवन में चीज आने वाली है। इसके बाद जो तीसरी चौथी भविष्यवाणी है वो है राहु महाराज का, पूरे 12 महीने साल 2024 के आपके 11वें घर में बना रहना। देखिए राहु पर मैं वैसे ही विस्तृत वीडियो बना चुका हूँ। राहु कहीं ना कहीं आज के टाइम में सबसे बढ़िया भौतिकता के कारक है, सबसे तेज प्रभाव अगर कोई ग्रह देता है तो राहु महाराज ही देते हैं। तो पूरे वर्ष 11वें घर में राहु का बना रहना यानी कि आपके लिए हर तरफ से पैसा आएगा, हर तरफ से धन की प्राप्ति होगी, हर तरफ से इच्छाओं की पूर्ति होगी और कहीं ना कहीं राहु आपको अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से भी पैसा दिलवाएंगे, यानी कि जहां से आप खुद नहीं सोच रहे थे उन सोर्सेस से भी पैसा आ सकता है। राहु और केतु कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के कारक हैं, जहां राहु को हम विस्तृत रूप से देखते हैं यानी कि इंटरनेट, सोशल मीडिया, इनसे संबंधित देखते हैं, और इसके साथ ही राहु को हम अनकन्वेंशनल सोर्सेज से भी देखते हैं। तो ये पक्का बात तय है कि साल 2024 में आपको अलग अलग प्रकार से धन कमाने का अवसर प्राप्त राहु महाराज करवाने वाले हैं। राहु विदेश के कारक हैं, पुनः बताऊंगा, जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं, टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए साल 2024 बहुत शुभता, बहुत पूर्णता उनके जीवन में लाने वाले हैं। तो ये थी चौथे नंबर की भविष्यवाणी। पांचवें नंबर की भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो बहुत लंबे समय के लिए नहीं बनने वाला योग, कुछ दिनों के लिए बनेगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 12 वर्ष में एक बार ऐसा योग बनता है। क्या योग बनेगा? सूर्य 14-15 अप्रैल के आसपास आपके 12वें भाव में आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। वैसे बृहस्पति और सूर्य की युति साल में एक बार होती है, लेकिन ऐसी स्थिति जहां पर सूर्य उच्च के होंगे और बृहस्पति के साथ उनकी युति होगी वो केवल 12 वर्षों में एक बार होता है। तो ये समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने आप में सूर्य प्रताप के कारक हैं, प्रभाव के कारक हैं, पद प्राप्ति के कारक हैं और बृहस्पति भाग्य के कारक हैं। तो भाग्य आपका साथ देगा पद प्राप्ति के लिए अपने जीवन में, किसी भी संदर्भ में हो सकता है वो। दूसरा, सूर्य आपके चौथे घर के स्वामी है, जो प्रॉपर्टी का स्थान हुआ, और बृहस्पति आपके 8वें घर के स्वामी है, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का स्थान हुआ। तो यहाँ पे 2-3 संभावनाएं बन जाती हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था वो सॉल्व हो सकता है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेच के भी पुनः आप कोई नई प्रॉपर्टी बना सकते हैं। तो ये सूर्य और बृहस्पति की युति भी 12वें घर में आपको बहुत अच्छा प्रभाव देगी। इसके साथ ही अगर आपका कोई वीजा आदि का इशू चल रहा था, इमिग्रेशन का इशू चल रहा था, गवर्नमेंट के साथ कोई वीज़ा आदि की प्रॉब्लम चल रही थी, जिस भी कंट्री में आप रहते हैं या अप्लाई कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए भी राहु सूर्य और बृहस्पति की जो युति है कुछ दिनों की ही होगी, 15-16 दिन की ही होगी। तो ये समय सबसे आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये थी आपकी पांचवी भविष्यवाणी। अब यहां से जो छठी भविष्यवाणी है वहां से बहुत कुछ बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि वर्ष 2024 का जो सबसे बड़ा प्रमुख राशि परिवर्तन होगा वो 2024 के मई में होगा, यानी कि 1st या 2nd मई के आसपास होगा, जब देव गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे। तो छठी नंबर की भविष्यवाणी बृहस्पति महाराज को लेकर ही है, वो ये है कि बृहस्पति आपके लग्न भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे। अपने आप में बृहस्पति महाराज का लग्न में आना शुभता दिखाता है, भाग्य दिखाता है, सौभाग्य दिखाता है। कारण क्या है? देखिए बृहस्पति 12 वर्ष बाद आपके लग्न में आएंगे। अब ये पुनः जो स्थिति होगी वो करीबन 2036 के आसपास होगी, जब बृहस्पति आपके लग्न में आएंगे। बृहस्पति का लग्न में गोचर कोई ऐसा नहीं कि हर दिन, हर महीने, हर 2 महीने, हर साल में होने वाला है, नहीं, 12 साल में एक बार होता है।
और बृहस्पति से शुभ ग्रह कोई है ही नहीं। तो बृहस्पति का लग्न में आना मई 2024 से आपके जीवन में शुभता लेकर आने वाला है। बृहस्पति आपके लाभ स्थान के भी स्वामी है, तो यहां से भी इंडिकेट कर रहा है कि लाभ स्थान के स्वामी आपके लग्न में है, यानी कि कई प्रकार के आपको लाभ मिलेंगे, रुका पैसा वापस आएगा, इनकम के पुनः नए सोर्सेस खोलेंगे। और बृहस्पति महाराज का लग्न में होना कुंडली की नेगेटिविटी को कम करता है, यानी कि अगर आपके कुंडली में कुछ नेगेटिव दोष हैं उनकी कमी करता है। बृहस्पति महाराज का लग्न में होना प्रोटेक्शन देता है। तो ये छठी भविष्यवाणी ये है कि बृहस्पति महाराज जैसे ही लग्न में आएंगे आपके जीवन की शुभता को बहुत बढ़ा देंगे, नकारात्मकता को बहुत कम कर देंगे। साथ ही भविष्यवाणी पे चलते हैं। बृहस्पति संतान के कारक होते हैं। जब भी हम संतान की बात करते हैं कई फैक्टर्स को देखा जाता है, लेकिन प्रमुखतः बृहस्पति की पोजीशन बहुत महत्वपूर्ण होती है और पंचम भाव की पोजीशन बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो बृहस्पति अपने आप में संतान के कारक हैं, उनका लग्न भाव में आना सदैव संतान प्राप्ति के योग बनाता है। इसके साथ ही बृहस्पति महाराज की जो दृष्टि है पंचम, वो पंचम भाव पर रहेगी, तो ये भी आपके लिए संतान प्राप्ति के योग बना देते हैं। यानी कि मई 2024 के बाद का जो एक वर्ष है वो संतान प्राप्ति के लिए आपका बहुत शुभ है, बहुत लाभकारी है। केतु पंचम में रहेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम अवश्य देंगे, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि केतु पर अच्छा प्रभाव डालती है। यानी कि जो लोग, जो दंपति संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं, उनके लिए बृहस्पति महाराज बहुत अच्छे प्रभाव मई 2024 के बाद देने वाले हैं। तो ये थी आपकी सातवीं भविष्यवाणी। चलते हैं आठवीं भविष्यवाणी की तरफ। आठवीं भविष्यवाणी केतु महाराज के को लेकर है। केतु महाराज पूरे वर्ष पंचम भाव में बने रहेंगे। पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है। केतु ज्ञान के कारक हैं, केतु नई टेक्नोलॉजीज के कारक हैं, स्पेशली जहाँ पे डिटेल में जाकर, रिसर्च में जाकर कुछ करना होता है, तो सबसे पहले जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो भी स्टूडेंट्स आईटी, सॉफ्टवेयर, कोडिंग, रिसर्च, इसके साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, इनसे संबंधित कुछ स्टडी करते हैं, उनके लिए वर्ष 2024 बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि उनको आगे बढ़ने के कई अवसर मिलेंगे। और इसके साथ ही जो पंचम भाव होता है ये तप का भी होता है। अगर पंचम भाव पे किसी केतु जैसे ग्रह का प्रभाव होता है तो व्यक्ति अपने तपोबल से बहुत कुछ प्राप्त करता है। तो ये केतु महाराज आपके लिए छठ पांचवें घर में बैठकर स्टूडेंट्स को स्पेशली बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। तो ये भी एक बहुत शुभता आपके लिए दिख रही है। नवी भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्यों? क्योंकि शनि महाराज आपके दसवें भाव में ही होंगे और 30 जून तक वो मार्गी रहेंगे। 30 जून को वक्री हो जाएंगे लेकिन 30 जून तक मार्गी रहेंगे। शनि महाराज आपके योग कारक हैं, शनि महाराज आपके दसवें घर के स्वामी हैं, शनि महाराज आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं और शनि महाराज आपके लिए दसवें भाव में बैठकर एक राजयोग बना रहे हैं और पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। यानी कि वर्ष 2024 आपके करियर में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव लेकर आएगा। करियर में ग्रोथ भी होगी, पैसा भी बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, गुडविल बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आपको करियर में एक नई उछाल लेने का मौका मिलेगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज शनि महाराज यहाँ पर केवल मात्र बैठकर आपके लिए, क्योंकि इतनी स्ट्रांग पोजीशन में है, योग कारक है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, देने वाले हैं। इसके साथ ही शनि महाराज यहाँ पर कर्म धर्माधिपति योग भी पूरे वर्ष बनाएंगे, लेकिन उनका प्रभाव जब तक वो वक्री नहीं होते और ज़्यादा शुभता के साथ आएगा। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी एक भविष्यवाणी, सकारात्मक भविष्यवाणी करियर के संबंध में बन रही है, क्योंकि करियर में एडवांसमेंट के लिए शनि महाराज आपको बहुत अच्छे रिजल्ट 2024 में देने वाले हैं। अब चलते हैं अंतिम यानी कि दसवीं भविष्यवाणी की तरफ। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जिनका विवाह नहीं हो रहा होता उनको बहुत चिंता बनी रहती है। तो ये जो वर्ष है 2024, 1 मई के बाद से जब बृहस्पति महाराज का राशि परिवर्तन हो जाएगा, अपने तौर पर बृहस्पति महाराज भी विवाह कराने के लिए पूरे कॉम्पिटेंट होते हैं, क्योंकि बृहस्पति महाराज का गोचर विवाह कराने में बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट देता है, क्योंकि विवाह एक मांगलिक कार्य, एक शुभ कार्य है और बृहस्पति शुभता के प्रतीक हैं। कभी भी अपनी कुंडली उठा के दीजिए लग्न कुंडली से, जब भी कुछ शुभ कार्य होता है, संतान प्राप्ति, आपका विवाह आदि, कहीं ना कहीं बृहस्पति का योगदान उसमें मिल ही जाता है, या तो दशा, अंतर दशा या गोचर,
अन्यथा दोनों में ही कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ रिजल्ट दिख ही जाता है। अब बृहस्पति आपके सप्तम भाव को मई से देखना शुरू कर देंगे और इसके साथ ही शनि महाराज की दसवीं दृष्टि भी सप्तम भाव पर होगी विवाह के स्थान पर। यानी कि 2024 का वर्ष मई के बाद से वृषभ के लिए विवाह के योग बना रहा है बहुत उच्च कोटि के। जिनका विवाह नहीं भी हो रहा था, ये दोनों ग्रह मिलकर आपके लिए विवाह होने की संभावना होने के योग एकदम उच्च कोटि के बना देंगे। इसके साथ ही सप्तम भाव बिजनेस का भी होता है, तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, पैरेलल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अपनी जॉब के साथ कोई पार्ट टाइम बिजनेस करने के लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा होगा। और इसके साथ ही जो पब्लिक फील्ड में अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपनी रिकॉग्निशन बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी वर्ष 2024 बहुत शुभता लेकर आएगा। तो ये 10 भविष्यवाणियां मेरे हिसाब से आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आएंगी। आशा करता हूं कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए।